पलवल भाजपा विधायक के पार्टनर एवं जिला भाजपा महामंत्री पवन अग्रवाल के रेलवे रोड स्थित धर्म प्लाजा की तीसरी मंजिल पर बने एक कार्यालय में लगी भयंकर आग। आग से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। आग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दो गाड़ियों के साथ दमकल ने करीब एक घंटे में आग पर काबू पाया गया। थोड़ी और देर हो जाती तो दूसरी और पहली मंजिल पर भी पहुंच सकती थी। ऐसे में हो सकता था कि बाहरी नुकसान। वहीं बताया जा रहा है कि होली का त्यौहार होने के चलते थर्ड मंजिल पर चलने वाले रूम खाली थे, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं आपको बता दें कि धर्म प्लाजा के सामने दुकानदारों ने बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से निकलते हुए और उठती हुई लपटों को देखकर धर्म प्लाजा के मालिक को, उसमें काम कर रहे लोगों को जानकारी दी, जिस पर तुरंत दमकल तथा पुलिस को सूचना देकर मदद की गुहार लगाई। थोड़ी ही देर में आग की बढ़ती लपटों को देखकर आसपास में अफरा तफरी और डर का माहौल पैदा हो गया। लोगों में हड़कंप मच गया और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भागने लगे। आसपास रहने वाले लोगों को अपने घरों और संस्थानों तक आग पहुंचने का डर सताने लगा। आगजनी की घटना के 10 मिनट बाद क्षेत्र में बिजली काट दी गई और उसके 5 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइनमैन साहब, हाँ, क्या जानकारी मिली थी आपको आग के बारे में? कोई उनके अंदर का ही फॉल्ट है, हमारी लाइन में कोई फॉल्ट नहीं है। हमारी जो एलटी की लाइन है वो भी काफ़ी नीचे है, एसटी लाइन है वो दूसरी साइड है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने अपना ट्रांसफार्मर स्विच काट दिया, उसके फ्यूज खोल दिए और पीछे से सर्किट काट दिया। हम बाकी लाइन चालू करेंगे, बाकी सर्किट पीछे से हमने काट दिया अपना, जो मेन हमारा सर्किट है। इधर की लाइन सारी बंद रहेगी। कितनी आग थी जिस टाइम पे आप यहाँ पे आए थे मौके पे? आग तो बाहर जंगल से बाहर निकल गई थी, बाहर निकल नीचे से देखा अंदर बिल्कुल लाइट आग थी का। क्या कारण बताया जा रहा है? बता रही है अंदर कहीं कोई शॉर्ट सर्किट है, उनका अपना ही अंदर का फॉल्ट है, हमारी लाइन में कोई फॉल्ट नहीं। ठीक, आग लगने से। हाँ बताइए, आपको कब जानकारी मिली थी कि यहाँ पे आग लगी आपके ऑफिस में? ये तकरीबन एक घंटा पहले कहाँ पे चलते हुए लोगों ने बाहर आग लगते हुए देखी और फिर इस बारे में हमें सूचना दी। क्या सामान था यहाँ? यहाँ पर पूरा ऑफिस का सामान था, ऑफिस टेबल, कंप्यूटर, सोफा वगैरह सारा सामान था, चेयर्स वगैरह सब थी। कितना नुकसान हो गया होगा? तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपये का नुकसान, और बाहर बिल्डिंग का अलग नुकसान, फर्नीचर का 2 से 2.5 लाख का नुकसान। कुछ अंदाजा है कि किस तरह से लगी होगी आग? ये ऑफिस बंद था जिस समय लगी है? आग होली के त्यौहार की वजह से आज ऑफिस बंद था, तो संभव है कि वजह से आग लगने की संभावना है। आदमी कोई था नहीं, पर्सन कोई नहीं था यहाँ पे? नहीं, बस एक पीएन था, वो सकुशल। क्या कहेंगे कि नीचे की मंजिलों पर अगर आग जाती तो? और नीचे हमारा कंप्यूटर सेंटर है और एक ई स्टोर भी चलता है, तो और भयंकर नुकसान होने की संभावना थी। लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया और सब कुछ सही था। ठीक हो। क्या नाम है जी आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, कैसे कैसे हुआ है हादसा? नहीं पता, कुछ भी है, आग लगी देखिए, देख के भाग के गए बस। कितना टाइम हो गया आग के लगे? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। दमकल कर्मचारी सही वक्त पे आ गए थे? हाँ। आपके काबू पा लिया था उन्होंने? हाँ। किस तरह के नुकसान की आशंका है? वो वैसा कुछ हमें नहीं पता। चलो जी, थैंक यू। क्या नाम आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ये परवत शर्मा है। ऊपर क्या नाम है, हम यहाँ पे काम करते हैं स्टोर में। क्या नाम है, यहाँ से सामने से भैया आपके आए स्टोर बाहर से, जो ऊपर आग लगी है, तो क्या नाम, हमने जाके देखा है तो पूरी वायरिंग आज शॉर्ट सर्किट हो गया। ऊपर लाइटिंग में आग लगी है, अंदर से अचानक से आग बढ़ गई है, हमने अंदर से लाइटिंग वाइटिंग। तो ऊपर था क्या उसके अंदर? क्या भैया ऊपर था क्या उसमें? ऊपर ही लोग हैं, कमरे हैं ऊपर, और क्या नाम है, कोचिंग सेंटर है, और उससे ऊपर कमरे हैं, रूम है। जिसमें आग लगी थी उसमें क्या था? वो कोचिंग सेंटर है।
कोई जनहानि तो नहीं हुई, कोई था तो नहीं उसमें? भैया हमें तो पता नहीं, वैसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ किसी को, सब ठीक है।